अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार ने की प्रेस वार्ता। महंगाई राहत कैंपों का आयोजन 24 अप्रैल से 30 जून तक। जैसलमेर में जिला कलेक्टर सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही बचत राहत बढ़त वाले बजट की नई योजनाओं को लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए स्थायी महंगाई राहत कैंपों का आयोजन 24 अप्रैल से 30 जून तक किया जाएगा। डेजर्ट स्ट्रॉम ब्यूरो रिपोर्ट। आज जो महंगाई राहत कैंप को लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है, क्या बातें हैं, क्या मुख्य बिंदु रहे हैं इसको लेकर? हाँ, ये महंगाई राहत कैंप है तो इसमें मतलब पात्र लाभार्थियों का पंजीयन किया जाएगा और 10 गारंटी कार्ड का मौके पर ही वितरण होगा। तो ये जो है गारंटी कार्ड प्राप्त हो गए हैं हमें और सभी शिविर प्रभारियों के पास पहुँचा दिए हैं। तो मतलब लाभार्थियों का पंजीयन करके और मौके पर ही गारंटी कार्ड का वितरण होगा। कब से शुरू हो रहे हैं सर, कब तक चलेंगे, कैसे पूरी पूरा विस्तार से? हाँ, 24 अप्रैल से 30 जून तक चलेंगे और कुल 271 कैंप लगेंगे। उनमें से मतलब 20 तो स्थायी है और बाकी 206 पंचायतों में दो दो दिन के शिविर लगेंगे और शहरों में भी जो दो शहरी निकाय हैं, नगर परिषद और नगर पालिका, उनमें भी प्रत्येक वार्ड में कैंप लगेगा दो दो दिन का। तो दो तरह के शिविर हैं, मतलब एक तो महंगाई राहत कैंप है जो स्थायी है और दूसरे प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग शिविर लगेंगे, उनमें भी महंगाई राहत के काउंटर लगेंगे। महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। एक तो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है और 100 यूनिट बिजली फ्री की योजना है और कृषि निःशुल्क बिजली योजना है और न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह, ये और फ्री राशन, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना और नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये 10 योजनाएं।